आगरा के विकास में अब एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन एक्सप्रेसवे पंच लगाएंगे। आगरा लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे के बाद अब आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इससे न सिर्फ आगरा मध्य प्रदेश के टूरिस्ट से जुड़ेगा बल्कि यहां की संस्कृति और उद्योग को भी लाभ मिलेगा। बता दें कि आगरा और ग्वालियर के बीच में 3,000 करोड़ की लागत से 6 लेन एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे ग्वालियर चंबल अंचल के लिए एक नई सौगात है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के विशेष सहयोग से ग्वालियर और आगरा के बीच 160 किलोमीटर लंबा एक नया 6 लेन एक्सप्रेसवे मंजूर हुआ है, जिसकी लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपए है। सिंधिया ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी धन्यवाद दिया है। इसके आगे सिंधिया ने लिखा कि पुराने ग्वालियर मुरैना धौलपुर आगरा मार्ग पर परिवहन के बढ़ते अत्यधिक दबाव को देखते हुए काफी लंबे समय से इस मार्ग के चौड़ीकरण की जरूरत थी, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन बानमौर मुरैना धौलपुर जैसे शहरों में सड़क का बनना घनी आबादी के कारण संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर इस बात पर मंथन किया कि क्यों ना एक नया समानांतर एक्सप्रेसवे मार्ग तैयार किया जाए, ताकि आम जनता के मकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी प्रभावित ना हो और नया मार्ग भी बन जाए। और इसी के लिए अब नए आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल गई है।